सत्यपाल मलिक होंगे जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल होंगे। वह राज्यपाल एनएन वोरा के स्थान पर जिम्मेवारी संभालेंगे। एनएन वोरा का कार्यकाल 25 जून को ही समाप्त हो चुका था और नए राज्यपाल का ऐलान बाकी था। सत्यपाल मलिक आरएसएस के नजदीकी माने जाते हैं। हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। सैनिकों द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग जारी है। एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की भी संभावना है। बता दें कि आए दिन इस तरह के मुठभेड़ हो रहे हैं जिसमें कि आतंकी मारे जा रहे हैं। हाल ही में कुपवाड़ा जिले में शनिवार सेना के जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। विद्रोही नेताओं पर पीडीपी सख्त, किया अनफॉलो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले विद्रोही नेताओं पर भले ही कोई कार्रवाई ना की हो, लेकिन अपने आधारिक ट्विटर अकाउंट से उनमें से कुछ को अनफॉलो जरूर कर दिया है। पीडीपी के एक नेता ने कहा कि इस कदम से संकेत मिलता है कि विद्रोहियों और पार्टी नेतृत्व में कोई सुलह होने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पीडीपी से गठबंधन खत्म करते ही अंसारी ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व के खिलाफ भाई और भतीजावाद का आरोप लगाते हुए विद्रोह शुरू कर दिया था। पाक जाने और बाजवा से गले मिलने पर सिद्धू ने दी सफाई, बीजेपी का पलटवार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शपथ ग्रहण में पहुंचने और वहां के सेना प्रमुख को गले लगाने के बाद विवादों में गिरे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं थी और उन्होंने वही किया जो पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी भी कर चुके हैं। सिद्धू ने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने भी परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। सिद्धू ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी बिना किसी बुलावे के नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में गए थे। इस बीच सिद्धू की सफाई पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सिद्धू के पाकिस्तान दौरे पर जवाब देना चाहिए। किश्तवाड़ में चिनाब की खाई में गिरी मारुति वैन, 13 श्रद्धालुओं की मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में श्रद्धालुओं को ले जा रही मारुति वैन मंगलवार को फिसलकर चिनाब नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि इसमें कुल 14 लोग सवार थे। हादसे के बाद पुलिस टीम ने 13 लोगों के शव को निकाल लिया है, जिसमें 5 साल की बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मारे गए सभी लोग पाडर घाटी में मचेल माता के दर्शन कर लौट रहे थे। हाथ से मिला के हाथ चलना हमें है साथ साथ, रास्ते रोशन यहाँ मंजिल करे नई बात बात, चलना है लेके काफिले, बढ़ना है मिटा के फासले, पाना है आज तो आसमान भी देखा है। प्रयाग बारा यूनिवर्सिटी, मेक योर मार्क ऑन द रोड्स ऑफ सक्सेस। एडमिशन ऑफिस एट बाहू प्लाजा, हॉल नंबर 304, थर्ड फ्लोर A2, साउथ ब्लॉक जम्मू। ब्रांच ऑफिस एट कठुआ एंड उधमपुर, कॉन्टैक्ट नंबर 9070234234।